शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी अपने लोकसभा इलेक्शन के थीम सॉन्ग से भवानी और हिंदू शब्द नहीं हटाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को नोटिस जारी किया था और उनसे अपने चुनाव प्रचार के गाने में भवानी और हिंदू शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। इस नोटिस पर पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है वो करें, पार्टी अपने थीम सॉन्ग में बदलाव नहीं करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने चुनाव आयोग को ये भी नसीहत दी कि उसे पहले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठाकरे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी अभियान का हवाला भी दिया, जिसमें दोनों नेता राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के एक वीडियो का हवाला दिया, जिसमें वे मतदाताओं से कह रहे थे कि जब वोट देने जाएं तो बजरंगबली के नाम पर बटन दबाएं। इसी तरह से अमित शाह एक रैली में रामलला के दर्शन के बारे में बोल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने इन बयानों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पहले इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें फतवा भेजकर कहा है कि जय भवानी शब्द को अपने गाने से हटाएं। हम इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाएंगे। अगर चुनाव आयोग हमारे खिलाफ एक्शन लेना चाहता है तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर मैं कहूं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के लोगों का अपमान कर रहा है तो क्या चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है? यहां आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने पिछले हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए अपनी थीम सॉन्ग लॉन्च की थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, जिसे शिवसेना ने अब खारिज कर दिया। शिवसेना का कहना है कि आज ये जय भवानी शब्द हटाने के लिए कल कह रहे हैं, कल कहेंगे कि जय शिवाजी भी हटाइए। शिवसेना शुरुआत से ही अपने नारे के तौर पर जय भवानी जय शिवाजी का इस्तेमाल करती आई है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग की आपत्ति को महाराष्ट्र के लोगों और देवताओं का अपमान बताया है। ठाकरे ने कहा कि हम तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे और यहाँ से लेकर कोर्ट तक लड़ते रहेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि केवल शिवसेना ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे इस मसले पर जो भी अपडेट होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत।